हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज मेड इजी बाय साधना और साधना जुमन्स रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी मूंग दाल की खस्ता। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूंग दाल की कचौरी बनाना। हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खस्ता कचौरी है और फूली फूली है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसे छान के लिया है। अब उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच या 1/4 कप देसी घी। आप इसकी जगह तेल भी डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच अजवाइन, उसको मैंने क्रश करके लिया है। और उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हाथ से मिक्स करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। घी डालने के बाद हमारा आटा इस टाइप का होना चाहिए, इससे कचौरी खस्ता बनेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका डो बनाएंगे। डो हमें ज्यादा सॉफ्ट या ज्यादा सख्त नहीं गूंदना है। डो गूंदने के लिए हमें 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा पानी लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आटा गूंद के तैयार है। इस टाइप का डो हमें चाहिए। 20 मिनट के लिए ढककर उसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। आटा तो हमारा तैयार है। अब हम मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए 1/2 कप मूंग दाल 2 घंटे तक भिगो के रखी थी, उसे अच्छे से क्लीन करके लिया है। अब उसको ग्राइंड कर लेंगे। उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, हमें उसे दरदरा ग्राइंड करना है। अब उसको ग्राइंड करेंगे। मूंग दाल को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का ग्राइंड करना है हमें, ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना है। बाउल में निकाल लेते। अब हम कचौरी के लिए फिलिंग बनाएंगे। तेल डालेंगे पैन में, 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। गर्म हो चुका है, अब उसमें डालेंगे 4 चम्मच बेसन। बेसन बहुत जरूरी है उसमें। बेसन को अच्छे से रोस्ट करेंगे। बेसन को अच्छे से रोस्ट या भून लिया है। अब उसमें डालेंगे हींग। अब उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आप यहाँ पे साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब उसमें डालेंगे ग्राइंड की हुई मूंग दाल। मूंग दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी, उसको क्रश करके लिया है। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से।
हमारा फिलिंग अच्छे से ड्राई होने लगा है। अब लास्ट में डालेंगे चीनी पाउडर, आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा फिलिंग अच्छे से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम फिलिंग्स को ठंडा होने देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। आटा हम फिर से गूंद लेंगे। आटे को अच्छे से गूंद लिया है, अब उसमें से एक लोई लेंगे। लोई को हम थोड़ा बेल लेंगे ताकि कचौरी आसानी से बन जाएगी। लोई को बेल लिया है, अब उसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भर लिया है, अब सभी किनारों को जॉइन करेंगे इस तरह से। ऊपर का हिस्सा निकाल लेंगे। इस तरह से दबा देंगे और हल्का प्रेस करेंगे। अब बेलन से हल्का प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बाकी की कचौरी बनाएंगे। हमारी सभी कचौरियाँ बनके तैयार है, अब हम उनको डीप फ्राई करेंगे। हमें तेल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। कचौरी डालेंगे, यहाँ पे मैंने 3 कचौरी डाली है। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कचौरी को तल लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कचौरी तल के ऊपर आ रही है। और अच्छे से फूलने लगी है। कचौरी को तलने में टाइम ही लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कचौरी का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। कचौरी का परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आया है, निकाल लेते हैं।
बहुत ही खस्ता बनी हमारी कचौरी।